हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल रहा है? आज अच्छे योगे तो भाई जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो के लाइक्स का एम है 20,000। जल्दी से आकर सब्सक्राइब करा दो। तो फिलहाल भाई ये आप लोग देख रहे हो कमाल का गेम भाई आज हम लोग खेलने वाले। इसमें जो मेन बंदा है भाई वो एक बार कोड वाला टकला है, मतलब कि ये अपना प्यारा भाई एजेंट 47, इसको आप ये भी बोल सकते हो। वैसे तो इसका नाम यही है भाई एजेंट 47, बट फिलहाल मैं इसको बार कोड वाला टकला बोलने वाला हूँ। भाई सच में इसके टकले के पीछे इतना मस्त बार कोड है, देख के दिल खुश हो जाता है। अभी आप लोग देखने वाले हो, ये गेम काफी अच्छा है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख करके रखा भी होगा शायद से। कमाल है, ग्राफिक्स एक नंबर है। अभी हम है इस वक्त दुबई की एक सबसे बड़ी बिल्डिंग में। वैसे देखा जाए तो दुबई की नहीं भाई, वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जहां पर अभी हम दो नमूनों को टपकाने के लिए आगे रखे हुए। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर दोनों का नाम है, एक कार्ल है बंदा और दूसरा मार्कस। इन दोनों को मारना है मुझे, और फिलहाल मारना ऐसे है कि भाई ना तो मेरे पास कोई भी वेपन्स है ना कुछ है, मतलब कि मजा आने वाला है। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना करके पहले वेपन्स लेंगे, आउटफिट चेंज करेंगे, बंदों को ढूंढेंगे, फिर उनको मारेंगे, और फिर बिना किसी को पता लगे चुपचाप यहाँ से निकलना है। तो आपको पता ही होगा भाई हिटमैन गेम्स में यही होता है। तो फिलहाल चल भाई टकले भैया जी, आराम से निकल ले जल्दी जल्दी से। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से जल्दी से मिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखते भाई मैक्सिमम जितना जल्दी से इसको पूरा कर लेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी से कितने सारे मिशन पूरे कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं ना इस गेम को बड़े अच्छे से खेल सकता हूँ। मुझे हिटमैन सीरीज वैसी बहुत ज्यादा पसंद आती है, मैं पहले से इनको खेल के रखा हुआ हूँ, मुझे अच्छे लगते काफी गेम मैंने हिटमैन खेल के रखे हुए हैं, मैंने 2 भी पूरा खेल के रखा हुआ है। तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से इसको शायद से ओके हमें भाई हैक करना पड़ेगा, ओके कैमरा से स्कैन करना पड़ेगा, कैमरा निकाल लेते हैं। हमारे चाचा हमें इंस्ट्रक्शन देने में लगे हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने प्यार प्यार टकले भैया इसको जल्दी से हैक कर ताकि हम बिल्डिंग के अंदर जा सके। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने में मैंने आपको बता दिया, जल्दी से आगे उसको पूरा करा दीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, चेकआउट कर लीजिए। उसको आगे बहुत मस्त गेम प्ले आने वाला है, शाम को आप लोगों को देख करके दिल खुश हो जाएगा। सच में यार क्या ग्राफिक्स होंगे उस गेम के, मजा आने वाला है। They're not going anywhere. तो ठीक है भाई, टकले को इसने बोल दिया हम बहुत ही क्लोज है 47, ये बोल रहा है हमारा प्यारा भाई। टेंशन क्यों ले रहा है भाई, अभी छोले पूरी चोरी करके आता हूँ। अगर ये बिल्डिंग में जाकर के ऐसे छोले पूरी चोरी करने लगे तो सच्ची भाई मजा ही ना आ जाए। तो चल भाई टकले भैया ऊपर चल। तो अभी भाई एक सीन ऐसा होने वाला है, ये मुझे लगा जब मैंने पहली बार इस गेम को खेला, तो मतलब भाई ये चीज सीन मेरे को ऐसा लगा देख करके के जैसे ये सीन बॉलीवुड से लिया हो, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी चीजें होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरा, अभी हम यहाँ से जाएंगे और टकले का रंग रूप ही बदल जाएगा, मतलब भाई इसको कहते हैं बॉलीवुड लेवल, ये आप देख रहे हो। तो फिलहाल भाई मैं जूम करता हूँ, ये रहा वो बारकोड, हर कोई बंदा इसको पेटीएम में स्कैन कर सकता है, आपको एकदम से 100 रुपए कैशबैक मिलने वाले हैं, ये हमारे प्यारे भाई का प्रॉमिस है। हाँ भाई 100 मिलेंगे 200 मिलेंगे बता दे बेटे नीली आंखों के गंजे। तो फिलहाल चलिए भाई काफी बंदे से मजे ले लिए, अभी मिशन पर ध्यान देते हैं। तो हम अब पहुंच चुके हैं दुबई वाली बिल्डिंग में, बिल्डिंग की आज ओपनिंग है भाई, ओपनिंग पार्टी रखी हुई है, आज ही पहला दिन है इस बिल्डिंग का। तो ठीक है चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले भाई जो ये बंदा आपको दिखाई दिया, ये वाइट यूनिफॉर्म वाला बंदा, मुझे सबसे पहले ये वाली ड्रेस लेनी पड़ेगी ताकि फिर मैं बीच में घुस सकूं बंदों के। और चाचा जी क्या हाल चाल है, अरे ड्रिंक पिला दो। ये गेम भाई फर्स्ट पर्सन में आप नहीं कर सकते, मैंने ट्राई कर लिया, हाँ भाई ये फर्स्ट पर्सन में नहीं होता, इसलिए आपको थर्ड में ही देखना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई अल हबीबी, अरे भाई जी कैसे हो। तो फिलहाल अभी जरा स्ट्रेटेजी बनानी शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर पार्टी चल रही है, मेरे को मेन बंदे ढूंढने पड़ेंगे फटाफट से। हेलो चाचा जी कैसे हो, बातें कर रहे ना रहे हो। तो चलिए थोड़ा आगे की तरफ निकलते, ओके भाई तो मैप अपडेट हो चुका है फिलहाल, बहुत ही बढ़िया, आगे निकल भाई जल्दी जल्दी जल्दी। तो अभी मेरे को भाई और भी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है इस गेम में, अपनी पूरा दिमाग लगाना पड़ता है तब जा करके आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आखिर करना क्या है, बंदों को मारना कैसे है। मज़ा आता है देखा जाए तो, बड़ा पेशेंस वाला गेम है भाई और दिमाग बहुत खर्च करवाता है, मज़ा आता है वैसे हिटमैन सीरीज खेलने में। फिलहाल अभी यार देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। वैसे हिटमैन 3 में काफ़ी कम मिशन है, काफ़ी कम मिशन है इसमें बाकी और के अलावा। ओहो ये क्या हो रहा है भाई, लगता है हल अबीबी का ब्रेकअप हो गया, बेचारा देखो कैसे दुख में बैठा हुआ है। अरे टेंशन मत लीजिए, कैसे उदास हो, अरे बेटे, अरे रे रे, लगता है मैसेज का रिप्लाई नहीं करा जा रहा, बेचारा लगा हुआ है। तो फिलहाल इसको यहीं पे बैठा करके रखा हुआ है, ओके। तो फिलहाल भाई यहाँ पे एक बंदा बातें कर रहा था जिससे हमें थोड़ी सी स्टोरी मिली है। तो भाई यहाँ पे अगर आप बंदों की बातें सुनते हो तो आपको थोड़े सीक्रेट्स पता चल जाते हैं, तो इसीलिए भाई मेरे को ऐसा लगता है मैं यहाँ पे बंदे को मारूँ ना मारूँ। चलिए आगे निकलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं अभी बंदों को मारना, कैमरा हटा ले भाई आगे तरफ निकल। तो भाई यहाँ पे मैं नहीं जा सकता, ये एरिया मेरे लिए नहीं है, ये मेरे को मना कर देगा अंदर जाने के लिए। यहाँ पे मैं जा सकता हूँ ओके, और यहाँ पर भी मैं नहीं जा पाऊंगा। देखो अगर मैं जाने की कोशिश करूँगा तो बोलेंगे चल भाई निकल, ये तेरा एरिया नहीं है, मतलब ये वीआईपी एरिया है। तो फिलहाल भाई
मुझे ऐसा लगता है ड्रेस लेने के लिए मुझे पहले मैं यहाँ से जाकर के ट्राई कर लेता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई बंदा अकेला मिल गया तो उसको मार पीट के उसको भाई यहीं पे कपड़े लेकर के काम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो नमूने हैं, तो ये है वॉशरूम, बहुत बढ़िया वॉशरूम के अंदर कोई बंदा अकेला खड़ा हुआ है क्या? हेलो भाई को यार, यार यहाँ पर दो बंदे हैं, हमारे यहाँ पर एक प्यारी आंटी जी है। आंटी जी क्या कर रही है, मेकअप उतर गया क्या? अभी तो लगा रही हो कि बाल सही कर रही है, बहुत बढ़िया, कोई कमी तो नहीं हो रही बालों में। सही है आंटी जी, यहाँ से निकलने के पैसे लोगी क्या? मेरे को लगता है भाई यार मेरे पास काश एक बुलेट होती ना, अभी सीधा कर देता मैं दोनों को यहाँ से, फटाफट से दोनों को हेडशॉट मार के इसके कपड़े ले लेता। बट यार इस मिशन में गन भी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी, पॉइंट ये है बस, क्योंकि यहाँ पे हम भाई बिना बुलेट से मतलब बिना गन के आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर गन नहीं ले सकते। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से मैं अभी ऊपर की तरफ निकलने वाला हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ जाने का एक रास्ता है, तो मैं आपको आगे वाला एरिया दिखाता हूँ। देखो आगे भी काफी एरिया है जहाँ से शायद से हम अंदर की तरफ जा सकते हैं, बहुत ही बड़े, तो फिलहाल यहाँ पे काफी चीज चेक कर सकते हैं। अल हबीब बहुत सारे यहाँ पर खड़े हुए यार, वैसे बिल्डिंग देख रहे हो, और मैंने बिल्डिंग को तो आपको दिखाया नहीं, क्या बिल्डिंग है यार, ऐसा लग रहा ना कोई फ्यूचर में आ गए हो, मतलब कोई क्या बनाया क्या है यार, क्या डिजाइन है, अमेजिंग। अरे हट जा चाचा कहते परेशान है, तो फिलहाल भाई है तो गेम भी, अगर किसी को टक्कर मारे हो कौन से कुछ बोलने वाले हैं। तो चलिए भाई अभी हम ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से शायद से मेरे को कुछ रास्ता मिल सकता है जाने के लिए, और मेरे को अभी बदमाश भी तो देखने हैं हमारे दोनों के दोनों टारगेट्स कहाँ पर है, कहाँ पर वो घूमने में लग रहे थे। अल हबीबी कैसे हो सारे के सारे, तो फिलहाल चलिए भाई अंदर की तरफ निकले थे। हेलो आंटी जी सो सॉरी, अंदर निकल भाई। तो ओके यहाँ पे एक और वॉशरूम है, ओ ओ आपका बैलेंस खत्म हो चुका है, रिचार्ज कराए, मतलब कि दो बंदे यहाँ पर है, इनको मारना भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, और तीसरा नमूना भी आ गया यहाँ पे सुस्सू करने के बाद। अरे भाई तेरे को भी अभी आना था, तो फिलहाल यहाँ पर भी हम बंदे को नहीं मार सकते, कोई बात नहीं आगे तरफ निकलते, आगे और भी बहुत ही सारे रास्ते हैं, कहीं ना कहीं तो बंदों को मार ही डालेंगे। हमारे टकले में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बस मेरे को एक मौका मिल जाए, मतलब कि एक ऐसी जगह, एक सेकेंड, यहाँ पर ये नमूना अकेला खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, अरे नहीं सो सॉरी भाई सो सॉरी। ओके भाई तो फिलहाल मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे इन कपड़ों में, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी बताता हूँ इनका नेता मैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। ओके ठीक है भाई हम यहाँ पर जा सकते हैं, तो मेरे को अभी कोई गार्ड ढूंढना जो बिल्कुल अकेला खड़ा हो सुनसान राहों में, सुनसान गलियों में। कोई बंदा आया भाई, आया आया आया, आजा बेटे आजा बेटे, उल्टा अगर खड़ा हो गया ना, तो फिलहाल ऐसा है तू ही जाने वाला है। अबे क्या कर रहा है भाई, कैसी एनिमेशन प्ले करी तूने, अबे गंजे तेरा भला हो जा भाई, हद है, जल्दी से कपड़े ले ले, जल्दी से कपड़े ले ले, और यहाँ से चुपचाप निकल ले। अब इसके पास गन वन भी है क्या? इसके पास गन वन कुछ नहीं है भाई, इसके पास गन वन कुछ नहीं है, इसकी गर्दन तोड़ और भाई निकल ले यहाँ से। तो फटाफट से भाई अपना काम हो चुका है, हमने मारा थोड़े ही है, वहाँ पे कैमरा जी ने किसने देखा किसने मारा, जिसने देख लिया उसकी गलती भाई, वैसे मुझे लगता नहीं भाई किसने देखा होगा, ये तो ऐसे ही बॉडी डराता दिखाता रहता है, मेरे को सब पता है हिटमैन में डराते ज्यादा है, कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल बस मेरे को एरिया यहाँ से छोड़ करके भाग जाना है, इससे पहले मेरे ऊपर शक हो बस, क्योंकि जो टकला है ना ये बार कोड ना दूर से देख लेते हैं बंदे, तो बड़ा अजीब सा लगता है ये, तो इसलिए शक कर लेते हैं इसके ऊपर बंदे। तो कूल डाउन होने के लिए कम से कम एक मिनट लगने वाली है, मैंने भी ड्रेस चेंज करी है, तो भाई कूल डाउन होगा भी गेम, मतलब कि ये सर्चिंग जो चल रही है ना वो एक मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, फिर मेरे को कोई नहीं ढूंढने वाला, तो इसलिए एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर टाइम पास कर लेता हूँ। हेलो भैया जी, हेलो बीबी, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कितने का इन्वेस्टमेंट करा मेरे को बताओ जरा। ए निकल ले यहाँ से, तेरी औकात से बाहर है, समझा तू? ओ भाई ये क्या बोलता है, ओके चाचा मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है भाई ऐसे से काम चलते हैं यहाँ पे भाई, बंदा तो ड्रिंक पिलाने के लिए भी नहीं है यहाँ पे सच्ची में, कोई हमारा प्यारा प्यारा भाई इसको ड्रिंक व्रिंक पिलाओ यार, तो जल्दी से थोड़ा सा, अभी भी सर्चिंग चल रही है, थोड़ा टाइम और लगने वाला है, तो फिलहाल भाई अभी हमें हमारा टारगेट भी नहीं मिला, जैसे वो मिल जाएगा उसकी कमर में बड़े प्यार से तोड़ने वाला हूँ। ओके भाई फाइनली हमारी सर्चिंग खत्म हो चुकी है, मैंने बोला था ना एक मिनट लगते कूल डाउन होने के लिए, अभी कोई मेरे को सर्च नहीं कर रहा, अभी मेरा मेन टारगेट है सबसे पहले गन लेनी, और उसके बाद उन दोनों बंदों को ढूंढ करके प्यार से खत्म करके चले जाना। तो फिलहाल अभी मैं कहीं पर भी घुस सकता हूँ, मतलब कि मैंने सिक्योरिटी वाले कपड़े ले लिए, अभी मेरे को कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा, ये सब सच्ची बात होती है, आउटफिट चेंज करने से बंदों का नेता बनाना यहाँ पर। तो फिलहाल भाई अभी जरा मेरे को बंदा मिल जाए, कोई गन दे तो भैया हमारे टकले भैया को, यार ये सिक्योरिटी गार्ड तो बड़े ही बेकार है यार, इनके पास गन नहीं है, तो गन लेने के लिए ना, ओहो अरे रे रे, देखो ये वही है जिसका मैंने मारा था, इसकी बॉडी लेकर के आ गया, अरे रे 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 रे, सो सॉरी भाई सो सॉरी, देख बट भाई करना पड़ता है क्या करी, ये हमारा काम है। तो फिलहाल लो भाई इसकी बॉडी को ला करके यहाँ पे लगा दिया बंदे ने, ये वही था भाई वही था बेचारा। तो फिलहाल चलिए अभी मेरे को दूसरी वाले सिक्योरिटी के बंदे ढूंढने पड़ेंगे, आपको पता है दूसरी सिक्योरिटी वही वाली जिसके पास गन है, देखो यहाँ पे दो सिक्योरिटी है अलग अलग लेवल में बैठी है, ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं नीचे पब्लिक को देखने के लिए, और ऊपर जो वीआईपी बंदों की सिक्योरिटी करने वाली भाई सिक्योरिटी है उनके कपड़े अलग ही है भाई, वो बंदे अलग है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उनके पास गन है और वो भी AK-47 भाई उड़ा के रख देगी, फिलहाल बस मेरे को वही लेनी है। वैसे अगर कोई साइलेंसर वाली गन मिल जाती तो फिर तो मजा ही कुछ और आया था, है भाई गंजे, साइलेंसर वाली मिलती तो मजा आता ना। सही कह रहे हो भाई तुम, बट क्या करे जो मिल जाएगी उससे काम चलाना पड़ेगा, बोला था ना मैंने गंजे भी यही बोलेगा, बट फिलहाल भाई ये समझता है सिचुएशन को, ये बोल रहा है जो मिल जाए उससे ही काम चला लेगा। तो ठीक है चलिए भाई अब यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं, यहाँ का काम पूरा हो चुका है,
मेरे को जरा नीचे निकलना पड़ेगा, अभी मैं अंदर जा सकता हूँ। आपको याद है सामने की तरफ जब मेरे को बंदा जाने के लिए मना कर रहे थे ना, तो मैं अभी वहाँ पे आराम से जा सकता हूँ, मतलब कि वो एरिया मेरे लिए खुल जाएगा। अभी मेरे को मना नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। पता नहीं कैसे बंदे हैं ये, कपड़े चेंज होने से बंदे की शक्ल थोड़ी बदलती है। अंधे है भाई ये सारे के सारे। फिलहाल खैर भाई गेम है कि तो अभी जल्दी से निकल जाते हैं हम लोग। ओके तो इस वॉशरूम में जा रहे हैं, कोई भी फायदा नहीं है। अभी मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, मैं आपको दूसरी सिक्योरिटी दिखाता हूँ यहाँ पे दूसरे कौन से टाइप के बंदे हैं। तो जल्दी से चल भाई। चाचा जी आ भाई, अब रोक, गुड मॉर्निंग बोलते बैठे, नहीं तो सीधा कर दूंगा। मेरे को भगा रहा था ना तू, मतलब कपड़े की इज्जत है बैठे, इंसान के चेहरे की कोई इज्जत नहीं है। अब तू को तो खड़ा हो गया, सीधा कर दूंगा तेरे को, अब तूने मेरे को रोका तो। चलिए फिलहाल भाई अभी कोई मेरे को रही नहीं वाला है। हेलो आंटी जी, काश इनको पीट करके इनके कपड़े ले सकता, बट भाई ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत ट्राई करके देखा इस चीज को, ये टकला ना लड़कियों के कपड़े नहीं पहनता। तो फिलहाल चलिए ऊपर की तरफ निकलते हैं। ओहो तो यही रहे वो दूसरे वाले बंदे। हाँ बेटे हाँ, अब मतलब तुम मेरे को भगा रहे हो, तुम्हारा लेवल कम है। बताऊंगा बेटे, बताऊंगा तेरे को थोड़ी देर में आकर के। रुक जा, अभी तेरे किसी भाई को ढूंढ लो जो कोई अकेला खड़ा हो, उसके कपड़े लेकर के फिर अपना मिशन थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल भाई मेरे को देखो जाने के लिए ना, मेरे को ऐसा काम करता है, मैं दूसरे फ्लोर पर निकलता हूँ। मेरे को लगता है इस वाले फ्लोर पे ना मेरे को कद्दू भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मेरे को दूसरे फ्लोर पे निकल जाना ही पड़ेगा। क्या पता वहाँ पे कोई बंदा मेरे को अकेला खड़ा हुआ मिल जाए, तो इसलिए चलिए मैं बाहर निकलता हूँ। यहाँ से मैं बाहर की तरफ जा सकता हूँ। भाई मैं थोड़ा ऊपर आते आते ना एक बड़ी प्यारी जगह पे पहुंच चुका हूँ, सिक्योरिटी रूम में। तो यहाँ पर एक नमूना सोया पड़ा हुआ है। तो किसी समझदार इंसान ने कहा है ड्यूटी पर कभी मत सोना, नहीं तो टकला आकर के क्या कर देगा, बैंड बजा देगा, बैंड बजा देगा, बैंड। ये ले बेटे, ये ले तेरा नेता ना बना दिया मैंने। चल गर्दन तोड़ इसके टकले जल्दी से। अभी इसके पास गन्नी है क्या? ओ भाई, ओ यार मेरा तो बहुत बेकार काम हो गया, पहले से कपड़े चेंज कर ले यार। सच्ची में यार मैंने सोचा था इसके पास गन होगी, ऐसा कैसे काम चलने वाला है? मतलब हद है यार, मैंने तेरे को इसलिए तो मारा पड़ा ढूंढ करके कि तू मेरे को वेपन दे देगा, पर तूने ना सारा काम खराब कर दिया। बताओ केला, अब इस केले से मैं किस किस को मारूं? उठा लेते हैं, कुछ भी चीज काम आ सकती है। केला देखो, केला दे रहे हैं यार। अरे यार फिलहाल कोई वेपन मिल जाता तो मजा आ जाता। ओ भाई की कार्ड, असली मजा ये है। तो की कार्ड से क्या मिलेगा, वेपन मिलेगा क्या भाई? 6927, तो 6927 जल्दी से मेरे को डालना है। 6927 खुल जा। सिम सिम क्या मिला, एक और की कार्ड। अबे भैया क्या है यार, ये वेपन दे नहीं रहे, की कार्ड दिए जा रहे। तो चलिए भाई पतली गली से भी निकल जाते हैं। अभी वैसे देखो हम काफी लेवल हमारा ऊपर हो चुका है, अभी हम मजे से घूम सकते हैं बहुत ही बड़े तरीके से। और भाई कैसा है रे चाचा चमन। तो चलिए अभी मेन टारगेट्स के पास निकलते हैं, देखते हैं चलो अगर गन वेपन वगैरह कहाँ से मिलेगा। अरे अरे भैया, अरे भैया ये तो बड़ा बदतमीज बंदा यार, इसने मेरे ऊपर शक कर लिया यार। मैंने सोचा था अभी इन कपड़ों से ना कोई मेरे ऊपर शक नहीं कर पाएगा। बंद कर इस गेट को जल्दी से। तो फिलहाल चलिए भाई मैंने गेट बंद कर दिया, अगर वो आएगा तो मैं उसको सच्ची बहुत पीटूंगा। आ जा यार आ जा, वैसे अकेला ही है क्या? आ जा इस रूम में आ जा, इसके पास वेपन जरूर होगा, इसको मार करके वेपन ले लूंगा। आ जा आ जा। अबे कहाँ जा रहा है नमूने? अबे भाई क्या मस्त पिटता है, इसके पास वेपन है क्या? है भाई इसके पास वेपन है, आ जा इधर आ जा। अबे भाई अरे रे रे रे, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये अकेला खड़ा हुआ है ना। एक सेकंड, आ जा। या मैं इसकी कमर यहीं पे तोड़ दूँ? बेटे तू तो यहीं पे मरेगा, तू बेटे यहीं मरेगा आज, तू यही मरेगा आज, सही बता रहा हूँ मैं। फिलहाल भाई मैंने वेपन ले लिया है और वो बंदा वहीं पर पड़ा हुआ है, मैंने मार करके मैं फेंक दिया। हमें क्या लेना देना भाई, हम घुस गए टॉयलेट में। तो फिलहाल चलिए भाई अभी सिंपल हो गया हमारा बहुत मिशन, मुझे वेपन्स की जरूरत थी, वेपन्स मेरे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं भाई कैसे मैं बनाता हूँ बंदों का नेता। जल्दी 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 अब ढूंढते हैं बंदों को, जल्दी से मार करके डब्बे में घुस जाऊंगा। मैंने एक बहुत आसान सी ट्रिक सीख करके रखी है, बंदों को सभी के बीच में मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। बस मार करके ना सेफ पॉइंट ढूंढ लो कि आपको मार करके भागना कहाँ है, फिर कुछ नहीं होता भाई। 3 मिनट का कूल डाउन लगता है, मतलब कि 3 मिनट के अंदर अंदर पागल हो जाते हैं सारे सारे सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ वहाँ भागते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं, बट पता है क्या होता है, 3 मिनट के बाद में ना गेम कूल डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद कहीं कुछ नहीं कर सकता, फिर नॉर्मल हो जाती है पूरी सिचुएशन। ये बहुत अच्छा फैक्ट है भाई हिटमैन का, अगर आपने मतलब सभी के सामने बंदे को मार दे ना, किसी डब्बे में छुप जाओ, बस आपको देखना नहीं चाहिए जब आप डब्बे में घुसते हो, तो बात खत्म, बस यही चीज होती है। तो फिलहाल चलिए अभी जल्दी से यहाँ से मैं नीचे की तरफ उतर जाता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे चाचा यार, वैसे ना मेरे को ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है ना ये बंदे ओके इस वाले फ्लोर पर है। तो इसते हैं, ये जो टारगेट है मेरा ये है भाई लेवल 2 पे, और मैं इस वक्त लेवल 5 पर है। ओ भाई लेवल 2 पर ही है, और मैं कौन सी लेवल पर हूँ? ओ भाई साहब मैं तो बहुत दूर हूँ यार, मैं तो लेवल 3 पे घूम रहा हूँ, तो मेरे को तो नीचे जाना पड़ेगा, नमूना तो नीचे घूम रहा था। तो फिलहाल भाई नीचे की तरफ निकलते हैं जल्दी से। चल मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे को लेवल 2 पर जाना है, हम 3 पर घूम रहे हैं, वैसे 5 पर है भाई मेन बंदा, हो दूसरे वाला उसको चलो बाधे मारेंगे, पहले एक बंदे की कमर तोड़ लेते हैं, वही बहुत ही बढ़िया रहेगा। हेलो सर, सॉरी चाचा जी, कैसे यार आगे आ जाते हैं तुम भी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ओके तो फिलहाल बंदा जो है ना बिल्कुल मेरे साइड में ही है भाई, बिल्कुल मेरे साइड में ही है, मतलब कि उस तरफ है,
मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे हमारा दुश्मन भी आएगा, वही जगह भाई जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे एक अजीब से इन्होंने चीज बना करके रखे, बंदे उसको देखते रहते हैं, तो वो बंदा भी वहीं पर आया हुआ है। ओके तो मैं उसी जगह सेम पहुंच चुका, और ये रहा मेरा टारगेट मेरी आंखों के सामने। हो भाई क्या मौका है यार, बट इसको यहाँ पे मैं नहीं मार सकता यार, एक बार ट्राई कर ले सच्ची में मजा बहुत आएगा। कर लेते हैं ट्राई, किसी ने देख लिया तो बाद में देखी जाएगी। वैसे चलो छोड़ो यार, गेम खराब हो जाएगा, मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, सारी चीजें खराब हो जाएगी। आराम से ही मारते हैं, प्यार से ही मारते हैं इसको। फिलहाल एक सेकंड, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है बंदा, और अगर मैंने इसको दूर से मारा तो अभी जरा मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये बंदा यहाँ पर जरूर आएगा। तो मैं अगर यहाँ से भागने का रास्ता देख लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको मार करके फिर मैं इसको यहाँ से भागा, फिर भाग करके मैं यहाँ से घूमा, और घूम करके फिर मैं कहाँ जाऊँगा यार, मैं घूम करके फिर से यहीं पर आ जाऊँगा। ये तो कोई फायदा नहीं है, अगर मैं यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ गया तो शायद से मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में तो मजा आएगा, ट्राई करते हैं। फिलहाल मैं रास्ता थोड़ा वो देख लिया है, आने दो बंदे को, बंदे का बनेगा नेता। अरे मेरे प्यारे से लाडले से भाई, तू तो जाने वाला है, सो जा जल्दी सो जा। तो भाई ओ भाई मैंने मार दिया मैंने बंदे का, भाई टकले चढ़ जा बड़ा से, लेट नहीं किया करते क्योंकि अभी तेरे ऊपर वांटेड लग चुका है। किसी ऐसे डब्बे में छुप जा जहाँ पे कोई तेरे को देख भी ना सके। तो फिलहाल भाई एक भी बॉक्स नहीं है जान बचाने के लिए, बड़ी बदतमीजी वाला काम करके रखा हो भाई। मिल गया बॉक्स, मिल गया, अब ढूंढते रहो जिसमें दमा ढूंढ लो भाई, ढूंढ लो, कोई क्या कर लेगा ढूंढ करके। तो फिलहाल भाई मेरे को इसी टाइप से गेम को कंप्लीट करने मजा आता है, मानता हूँ ये प्रॉपर तरीका नहीं है, बट मेरे को मजा आता है बंदों को बीच में ही पब्लिक में मारने से। तो फिलहाल चलिए एक बंदा मर चुका है, कहाँ से डर डर के बंदों को मारना कि भाई एक देखो अकेला चला गया बाथरूम में, अब उसको मारेंगे। अरे सबके बीच में मार करके भाग जाओ ना, गेम को थोड़ा सा समझना भी चाहिए। मैंने इस गेम को पूरा समझ के रखा हुआ है। फिलहाल बस अभी देखो मेरे को ज्यादा चीजें नहीं करनी, मेरे को अपना आउटफिट चेंज करना है और उसके बाद कूल डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी देखो सारे बंदे अभी भाग रहे हो यहाँ से वहां, पूरा 2 मिनट का टाइम होता है, 3 मिनट का मैंने देख के रखा हुआ है। 3 मिनट के बाद में सब कुछ कूल डाउन हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, उसकी बॉडी कचरे में डाल देंगे, बात खत्म। अभी लास्ट टारगेट है लेवल 5 पे जाना। तो फिलहाल चलिए काफी टाइम हो चुका है, यहाँ से बाहर निकलते हैं, कोई अगर यहाँ पे हुआ तो मेरे को दिख जाएगा। ओके भाई यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, सारे बंदे नीचे की तरफ खड़े हुए, तो मेरे को अभी ऐसा लगता है थोड़े कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ मैं इनको पीट देता हूँ जो नीचे नॉर्मल बंदे घूम रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे स्टाफ वाले बंदे जो है उनकी कमर तोड़नी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये चीज चेक करना चाहूंगा, हमारा जो अगला टारगेट है अभी वो लेवल 4 पर आ चुका है और हम लोग भटक रहे हैं कौन से लेवल पर, हमें लेवल 3 पर, तो हमें एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेवल ऊपर जाने का रास्ता है क्या, हमको सीढ़ियाँ दे दो भैया, गंजे भैया सीढ़ियाँ ढूंढ लो। ओके ढूंढने की जरूरत नहीं है। पता है क्या करेंगे, आपको याद है 2 बंदों ने मेरे को भगा दिया था इसी वाले कपड़ों ने, तो वहां से शायद से मैं जा सकता हूँ लेवल पे, बट यार ये कपड़े मेरे खराब हो चुके हैं। तो अभी एक काम करते हैं, चलो अगर बंदे शक करेंगे ना तो जबकि जब देखी जाएगी, ऐसे निकलते आगे की तरफ। तो फिलहाल आराम से कैमरा में मत आ भाई मेरे गंजे, आराम से। तो फिलहाल ये स्टाफ वाले बंदे जो है इनको तो बिल्कुल भी शक मुझ पर नहीं हो रहा। ओके भाई भीड़ में से निकल के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्राउड में कोई भी आपको कभी भी नहीं पकड़ सकता, ये सबसे मस्त तरीका होता है। ठीक है भाई देखो मैं जगह पर पहुंचने ही वाला हूँ, ये है वो जगह जहाँ पे मेरे को बंदों ने मना कर दिया था। यहाँ से मैं अभी ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाने के बाद 2 बंदे मेरे को वो मिलेंगे, तो फिलहाल देखते हैं वहां से मेरी अभी एंट्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये है वो एरिया भाई, बस प्लीज यार ये बंदे मेरे ऊपर शक ना करे, अगर इन्होंने शक किया तो सारा काम खराब हो जाएगा। हेलो बोल, ओके बैठे कपड़ों को सलाम है, बाकी कोई किसी को नहीं पूछता। तो फिलहाल चलिए भाई अभी मेरे को अपना अगला टारगेट पता करना है जो कि मेरा लास्ट टारगेट है, जल्दी से उसको मार करके यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। इन वाले बंदों को कुछ नहीं पता कि मैंने नीचे क्या करा है, क्या हल्ला मचाया है। चल 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 जल्दी से चल। ओके तो फिलहाल अभी जल्दी से मैप को चेक कर लेते हैं, मैं कौन से लेवल पर हूँ, मैं अभी लेवल 3 पर हूँ, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, सामने सीढ़ियाँ थी जैसे कि आपने देखा। ये है लास्ट लेवल एंड द लेवल 4, यहीं पे जा करके बंदे को मारना है और यहाँ से मार करके सीधा मेरे को एग्जिट पॉइंट ढूंढना है और हमारा प्यारा दुबई का मिशन हो जाए कम्प्लीट। यार क्या एरिया है यार, अमेजिंग है ये बिल्डिंग, में क्या है ये धरती पे ही घूम रहे हैं क्या हम, मुझे तो नहीं लगता भाई सच्ची में, इतनी खूबसूरत चीज कोई कैसे बना सकता है। तो फिलहाल चलिए भाई ये बंदे शक करेंगे क्या, नहीं कर रहे, बहुत ही बढ़िया। चलिए सही है, तो लेवल 4 पर स्वागत है आपका। तो चलिए भाई अभी बंदे को ढूंढना है, यहाँ पर और कोई बंदा है जो शक करेगा, कोई नहीं कर रहा, सही है। यहाँ पर किचन है तो मेरे को बंदा जरा अंदर जाकर के ढूंढना पड़ेगा, जल्दी 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 टकले भैया,
जल्दी से लेट मत कर यार, लेट मत कर। ओके तो फिलहाल यहाँ से मैं आराम से जा सकता हूँ। ओके अभी यहाँ पर एक हल अभी भी और है, और इस वाले रूम में ही है बंदा, और एक बंदे ने मेरे ऊपर करा शक, इसलिए मेरे को अभी कोई आसान सा तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये है बंदा, और इस बंदे को भाई अभी मैं क्या बोलूं, बस कैसे मारूं। तो यहाँ पर ये बंदा सामने बैठा हुआ है। स्ट्रेटेजी ये है मेरी कि मैं मार करके भाग करके यहाँ पे अगर लटक जाऊं तो हो सकता है। देखो करना पड़ेगा, देखो ट्राई करते रहिए, ट्राई बट डोंट क्राई, ये चीज बहुत अच्छी है भाई सच्ची में। तो फिलहाल ऐसा है, देखो मैं यहाँ से कहीं जा नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे रहूंगा ही, क्योंकि ये भाई यहाँ पे जाकर ही खत्म हो जाती है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मैंने इसको यहीं पे ठोका तो फिर देखते क्या होगा। ठीक है भाई, ट्राई कर सकते हैं, बाकी और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर देखते हैं कैसा काम चलने वाला है। बंदे यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, वो बाद में देख लूंगा, या फिलहाल मैं यहाँ पे जितने बंदे सभी को मार दूंगा। यहाँ पे जितने भी एरिया के बंदे हैं ना, अगर वो सारे ही मारे जाएंगे तो फिर ऐसा है भाई, जो अगले बंदे आएंगे जब तक वो आएंगे जब तक मेरा काम हो जाएगा। एक ये चीज बहुत अच्छे से काम कर लेती है। तो चलो जो मेरे मन मारा पहले मैं वो करता हूँ। अब मैं बनने वाला हूँ। ओए टकले, आज से तू ट्रेवर है, काम खत्म कर जल्दी से। चले बेटे चाचा जी तुम भी निकल लो। अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? जा भाई रिलोड बार में टकले मरवाएगा यहाँ पे। बहुत जल्दी से भाग जा, जल्दी भागो। फिलहाल भाई बहुत ही सिंपल तरीके से काम हो चुका है। इतने अंधे हैं बंदे, इनके सामने मैंने मर्डर करा। मैंने बोला था ना यहाँ के जितने बंदे इनको मार दोगे तो यहाँ का कूल डाउन आराम से हो जाएगा। इन्होंने मेरे को देखा ही नहीं भाई, यहाँ पे सामने अलमारी थी तो मैं इसी में घुस गया। अभी टकले देख ले मुझे तू, वो भैया देखो मेरे को देख नहीं पा रहा। इसको कहते हैं गेम भाई, गेम। देखो गेम को आपको पता है, देखो गेम में कंडीशंस होती है। तो भाई उन्होंने मेरे को नहीं देखा और मैं छुप गया, तो खत्म। वो मेरे को देख नहीं पाएंगे, चाहे हम उसको देख सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ साथ मैंने दुबई का मिशन बड़ी आसानी से और सफलतापूर्वक इसको पार कर लिया है। बाकी आप लोगों ने और किसी गेम प्ले देखा होगा, वो बहुत अलग होगा भाई। देखो मैं अलग तरीके से खेल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ टारगेट दिखते हैं और मैं उनको मार देता हूँ। बस मेरे को ये दिखता है मैं कैसे मार सकता हूँ, और गेम ने भी यही बोला था इनको मारना है और यहाँ से निकलना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करना, आप कैसे मारते हो, चौड़े में गोली मारते हो ट्रेवर बन के, या फिर चुपचाप डर डर के मारते हो। तो देखा जाए तो भाई मैंने तो इनको मार दिया जैसे मेरे को अच्छा लगा, मिशन हो चुका है पूरा। तो फिलहाल ये तरीका मेरे को ज्यादा बेस्ट लगता है, इससे क्या होता है टाइम कम खर्च होता है, समझ रहे हो। मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग में आउटफिट लेने की इसलिए जरूरत थी ताकि मैं अंदर घुस सकूं, और जैसे ही मैं अंदर घुसा मेरे को बंदे दिखते ही मैं तो ठोक देता हूं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि यार टाइम वेस्ट करना किस चीज का, कोई फायदा नहीं है, मिशन ही तो पूरा करना है, फिर आगे मिशन बढ़ेंगे। मेन पॉइंट यही था, अभी इस मिशन को चाहे 2 घंटे में पार कर लो, चाहे 20 मिनट में पार कर लो, वो आपके ऊपर की बात होती है। तो फिलहाल चलिए भाई, अब ये सब के सब बंदे परेशान है। बेटा गन हटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ से बॉडी ले जाई गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं मानता हूँ, बट अभी ये बंदे जल्दी से शक नहीं करेंगे। अभी बस मेरे को एक काम करना है, यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाना है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे को काफी टाइम अभी अंदर हो चुका है, बाहर निकलते हैं। फूफे जी सफाई कर रही हो? करती रहो सफाई, अच्छी बात है, करती रहो सफाई, बड़ी अच्छी बात है। निकल ले बेटे, निकल ले बेटे, निकल ले बेटे, कोई टेंशन नहीं है। ओके तो मेरे को जल्दी से अभी एक एग्जिट पे जाना है, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ ही। भाग बेटे गंजे, इसको बोलते हैं बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक गेम को पार कर लेना। तो चलिए भाई चलिए, हिटमैन भैया जी मेरे को बड़ा सिंपल लगता है भाई। हिटमैन मैंने आपको पहले ही बोल करके रखा हुआ है, अबे शक मत कर बे, गेम पूरा पराया भाई, तू उल्टा मेरा काम खराब करवाएगा। तो फिलहाल चलिए यहाँ से बस मेरे को बाहर ही निकल जाना, उसके बाद सारा का सारा काम सिंपल हो जाएगा। तो ये ना मेरे को लगता है एग्जिट सामने ही है, बस भाई इसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे कोई शक करे चाहे कोई गोली चलाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बात खत्म। मैंने हिटमैन 2 भाई बहुत सिंपल तरीके से पार करके रखा है, मैंने उसका गेम प्ले नहीं बनाया, बट मैंने जब उसको खेला मेरे को बड़ा मस्त लगा, मैं ऐसे शॉर्टकट से पार कर देता हूँ। तो फिलहाल चलिए गेम पूरा, मतलब ये मिशन पूरा हो चुका है। अगला मिशन भाई मुझे लगता है बहुत ही सिंपल होने वाला है, एक सिंपल सी टारगेट को मारना है, हमारी एलेक्स आंटी जी को, जो कि काफी बेचारी ओल्ड है, तो उनको मारना है। तो और फिलहाल उनको मारने के बाद केस फाइल भी ढूंढना है। सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं इसमें करना क्या है। मेरे को लगता है ये भी सिंपल ही होगा, मेरे को एक टारगेट मारना है, बहुत सिंपल है। ज्यादा टारगेट होते तो थोड़ा टाइम लगता है, एक को मारना है। अरे यार छोड़ो। तो फिलहाल चलिए भाई, डेथ इन दी फैमिली। तो अभी जल्दी से जाते हैं। वाह टकला पहली बार बुलेट पे, अबे तो बाइक भी चलाता है बे। ओके तो बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल चलिए भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा खड़ा है क्या? ओके सामने 2 बंदे भी खड़े हुए मेन डोर पे। तो फिलहाल मैं पीछे जाऊंगा। झाड़ियों का इस्तेमाल करिए प्लीज, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो फिलहाल बात ये है भाई, यहाँ पे एंट्री में 2 बंदे खड़े हुए हैं, बड़े ही प्यार से 2 बंदे खड़े हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। खड़े रहो भाइयों, खड़े रहो। तो आपकी कमर तोड़ने का तरीका ये है कि भैया सिक्का है क्या? आहा सिक्का है, सिक्का है माँ, सिक्का है। तो फिलहाल बात ऐसी है, ले ले ले
कुछ नहीं कह रही थी, बोल रही थी खाना खाया मैगी वी खा लेता, खाली पेट मटर नहीं क्या करते, तो फिलहाल ठीक है भाई चलिए आजा 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 आजा। अबे आजा जल्दी, क्यों भाव खा रहा है भाई, देख रहे हो इसको कहते हैं टैलेंट। पहले सिक्योरिटी वाले को बोलेगा मैंने सिक्का गिरने की आवाज सुनी, तो उठा ले भाई तेरे तो मजे चांदी चांदी है। तो चलिए भाई अपना पहला टारगेट आ रहा है, इसी कमर पे ऐसा घूसा मारूंगा मैं, बेटे तू तो गया आ जा, जान दे दे, जान जान के साथ कपड़े भी दे दे। अबे दे दे भाई जल्दी से, कैसे परेशान है, बिना इसी कमर तोड़ देता हूँ जल्दी से, इसके कपड़े चेंज, कपड़े ले ले भाई, गंजे भाई कपड़े ले ले, मेन चीज तो कपड़े ही होते हैं। तो ठीक है भाई, पीछे वाले मोहल्ले से निकल जाते हैं यहाँ से फटाफट से, चल भाई जल्दी कूद गया। अरे यार क्या अटक ले यार, एक घंटे से, एक तो एक्स बटन से खा रहे काम करता है बेचारा, इस पे से तो जंप करता भी नहीं है, तो इससे पहले मेरे ऊपर शक करे मेरे को यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि बंदे अभी मेरे ऊपर शक कर सकते हैं। तो बहुत बड़े भाई हम अंदर की तरफ आराम से आ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एंट्री बहुत सिंपल हो गई है घर के अंदर, उसके बाद अभी हम जा करके देखेंगे हमारी प्यारी मिस आंटी एलेक्सा कहाँ पर है, फिर उनसे गाने वाने सुनेंगे, एलेक्सा गाने बजाओ। तो चलिए अभी जल्दी से ऊपर जाने का तरीका, मैंने हिटमैन गेम खेल के एक चीज सीखी है, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, हमेशा बिल्डिंग में जब भी चढ़ो गेट से मत चढ़ो, पाइप ढूंढो। तो मैं बिल्डिंग के पाइप ढूंढता हूँ, वहां से लटक के जाएंगे आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ना ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसके पास अभी गन भी है, तो बस जैसी वो आपको दिखेगी पाइप पे लटक के रहो, जैसे गेम कूल डाउन होगा आपको कोई बंदा नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, एक चीज पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज बात ही खत्म, जो मैंने आपको बोल दी वही है। तो फिलहाल यहाँ पे ना मेरे को भाई पाइप दिख गया और मैं अभी यहीं से चढ़ने वाला हूँ, चल भाई गंजे लटक, कोई देख तो नहीं रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एलेक्सांडर को ढूंढते कौन से फ्लोर पर है, जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है इतना बड़ा मिशन होने वाला है, छोटा ही मिशन है भाई ये। तो एलेक्सांडर जी वेयर आर यू, कहां पर है, ये है लेवल 2 पर, तो मैं लेवल 2 पर हूं एक तरीके से, मान लो मैं फिलहाल लटक गया तो रखा हूं यहां पर, अभी जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो ओहो ओहो बंदा मेरे को देख रहा है, ओ बेटे बहुत पीटूंगा, देखने की कोशिश करी तूने। तो फिलहाल चलिए भाई, ओके, तो किस बंदे ने मेरे को देखा था, कौन सा बंदा था भाई जो इसकी इतनी तेज नजरें हो गई है। तो फिलहाल मेरे को वहाँ पे जाने के लिए ना मैं खड़ा होकर के जाऊँगा, लटक के जाऊँगा तो काफ़ी टाइम मेरे को लग जाएगा, बस बेटा टकले ऐसे चल, लटक के ना काफ़ी टाइम लगाता है यार ये, तो आराम से बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो चलो चलो, शाबाश 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 गंजे भैया, ऐसा ही चलो ऐसे चलो। वैसे बड़ा फनी गेम है यार ये पेटीएम वाला टकला, मेरे को तो बड़ा फनी लगता है। बाकी आप लोग बता दो, आप लोग भी क्या रहा है इसके बारे में, बड़े कौवे उड़ रहे हैं। एलेक्सांडर जी क्या हो गया, खाना मांग रहे, दावत करके रखा है इनके टकलोगी। तो फिलहाल नीचे 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 हो, नीचे उतर जा मेरे भाई। एलेक्सा आंटी, ऐसा लगता है मुझे एलेक्सा आंटी ना सामने की तरफ ही है, और सामने की तरफ मार करके पाइप पे उनको चढ़ करके बहुत बढ़िया आराम से कूल डाउन हो जाएगा। एलेक्सा आंटी कहाँ पर है, जरा अभी चेक करता हूँ मैं हूँ कहाँ पर, यहाँ पर एलेक्सा आंटी बिल्कुल सामने वाली गली में। अगर एलेक्सा आंटी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी तो भाई कितना सिंपल हो जाएगा, ये यहाँ पर है देखो, मैं सामने वाली खिड़की पे मतलब विंडो पे हूँ, यहाँ पर ही आएगी तो मैं सीधा यहाँ से एम लेकर के एलेक्सा को खत्म, बहुत बढ़िया। एलेक्सा जी आओ 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 जल्दी आओ, बहुत बढ़िया, साइलेंसर वाली गन है कोई देख भी नहीं पाएगा, आजा आजा आजा, थोड़ा वेट करते हैं आजा। फिलहाल भाई थोड़ा मेरे को टाइम हो चुका है यहाँ पर वेट करते करते, बट मुझे लगता है एलेक्सा जी ना यहाँ से शायद से नहीं आने वाली, तो मुझे कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा, बट मेरे को शायद से बंदों ने देख लिया, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं सेफ रहूंगा, बंदे यहाँ पर गोली नहीं चलाने वाले, मैं काफी टाइम तक भी यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर गोली चलती ना तो वो चल जाती। तो फिलहाल एलेक्सा आंटी कहाँ पे निकल गई, ओके वो लेवल 1 पे चली गई भाई, वो लेवल 1 पर चली गई, इसका मतलब वो यहाँ से सीढ़ियों से उतर कर गई, ये मैंने सोचा था क्या था। तो फिलहाल यार अभी मेरे को कोई और से दूसरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, चलिए फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर मेरे को घर के अंदर ही जाना पड़ेगा उसको जान से मारने के लिए। तो चलिए आगे वाली विंडो पे जा करके चेक कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि एलेक्सा जी ना वहाँ तो नहीं आई। अबे भाई गंजे तेरे को घुसने के लिए किसने बोला, अबे तू फिर ये मेरे को मरवाना चाहता है क्या। तो वैसे यहाँ पे किसी ने मेरे को देखा नहीं है, मैं घर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर भाई सोफा है, मतलब कि तो सोफे के पीछे कोई मेरे को देख नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा एंड क्लियर व्यू मिलेगा एलेक्सा को मारने के लिए। अभी देखते हैं एलेक्सा जी यहाँ पर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि भाई ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स है, आराम से उसको ढूंढना घूमना क्यों चक्कर है बड़े, वो खुद ही घूम रही है भूत की तरह अपने घर पे, आ रही है ना मेरी तरफ ही। भाई मिस एलेक्सा आ चुकी है और मैंने खत्म कर दिया ऊपर की तरफ से, फिलहाल बेटे निकल ले जल्दी से, अबे गंजे मरने वाले काम कर रहा है वे, जल्दी भाग ले चुपचाप यहाँ से। तो फिलहाल भाई ये सबसे बेटर और सेफ जगह है अपनी जान बचाने के लिए, तो फिलहाल अभी मैं यहीं पर छुप करके रहने वाला हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर मैं यहाँ पे नहीं रहा ना तो भाई इतनी कमर तोड़ेंगे मेरी, इतनी कमर तोड़ेंगे, इतनी गोलियां बजेगी बहुत ही ज्यादा, तो इसलिए अपनी जान बचाओ और चुपचाप जहाँ पे हो वहीं पे लगे रहो, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाने वाला है। तो फिलहाल बंदे यहाँ पर मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल सेफ एरिया है भाई, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि देखो कहीं पर भी गार्ड्स आ सकते हैं, बट गार्ड्स यहाँ पे क्या करने के लिए आएंगे, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकेंगे। तो फिलहाल भाई वही सेम का गेम रूल,
आराम से कूल डाउन होने के लिए वेट करो। तो बोला था ना भाई मैंने, सिंपल तरीके से पहले ऐसा काम कर लो, बंदे घूमेंगे यहाँ वहाँ पे, आप अपना आउटफिट चेंज करो और सिंपल तरीके से आप इस गेम को कंप्लीट कर सकते हो। देखो ये आसान तरीका है, देखो नहीं तो आप आराम से उसको इज्जत से खेल सकते हो। ढूंढो, कपड़े चेंज करो, सिक्का डालो, बहुत सारे काम होते हैं करने के, वो आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छा तरीका गेम खेलने का। बट यार मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, मतलब मेरे को जो टारगेट दिखता है पहले उसको मार करके टाइम में, मतलब यहाँ वहाँ ज़्यादा लगाता नहीं हूँ। और जल्दी से फिलहाल बस मेरे को अभी एक काम करना है, कपड़े चेंज करके सीधा केस फाइल को ढूंढ करके यहाँ से रफू चक्कर। तो ये मिशन तो दुबई वाले से भी छोटा निकला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो फिलहाल अभी भी देखो भाई ढूंढ चल रही है, एलेक्स आंटी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए भाई उनकी मैडम मरी है, तो थोड़ा एकदम से कूल डाउन नहीं होने वाला। तो ठीक है भाई, अभी हमारे ऊपर से वो सब कुछ हट चुका है जो बंदे मेरे को ढूंढ रहे थे। अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ से जाकर के सिर्फ घर के अंदर की तरफ जाना है और उसके बाद सारा काम खत्म हो जाएगा। अभी देखो मेरे को कपड़े लेने जरूर पड़ेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे को ऐसा मारना पड़ेगा जिसकी एंट्री हर जगह हो, नहीं तो मैं घर के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। ये कपड़े जो है बाहर वालों के, तो ये बाहर के अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए भाई आउटफिट का बहुत पंगा होता है यहाँ पे, सिक्योरिटी जिस हिसाब से बटी होती है उस हिसाब से आपको जाना पड़ता है हर एक जगह पे। तो ठीक है अभी देखते हैं, मेरे को बस एक गार्ड के कपड़े मिल जाए उसके बाद हम अंदर आराम से जा सकते हैं। तो चलिए भाई अभी मैं कूद गया हूँ, बट जैसे मैं यहाँ पे देख लूँ कोई अगर मेरे को बंदा मिल जाए। हेलो हेलो हेलो, कोई है क्या? ओके, एलेक्सी का बेडरूम है ये, बेचारी को चाय भी नहीं पीने दी भैया। अरे भैया दो बंदे चाय पीने वाले थे, बड़ा गलत करा, तेरे को शर्म नहीं है भाई? मतलब किसी को चाय पीने से पहले ही मार दिया, खाली पेट ही मार दिया तूने उसको, तेरे को शर्म नहीं आती भाई टकले? तो फिलहाल खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और कोई है क्या? कोई गार्ड आ जाए यार, एक गार्ड मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए। अरे कोई तो आ रहा है सामने से, कोई शक कर ले मेरे ऊपर, प्लीज़ आ जा भाई, कोई तो आ जाए। ओके सामने गली में जा करके देखता हूँ, एक तो आ जाए। अरे देख देख कैसे बातें कर रहे हैं, लग रहा है वहाँ पे भाई, देखो काम वाली के साथ। अबे इधर आ जा नमूने, इधर आ जा इधर। ए सही है भाई, भाई हद है यार, इस बंदे को देख रहे हो? सही है, लड़की का चक्कर भाग भैया, मालकिन मर गई है, बोल रहा है अब मजे ही मजे, अब तो आराम से यहाँ पे हमराज करेंगे, कब काम आएगा। अरे यार तू भी कमाल करता है, चलो चल उधर जा, सिक्का उठा, चल सिक्का उठा, उठा ना मेरे बाबू भैया, बाबू भैया सिक्का उठा लीजिए। अरे बाबू भैया कैसे जम गए ये? बाबू भैया तो बैकअप बुला रहा है, भाई बाबू भैया चला जाओ भाई, देख रहे हो सच्ची में? आजा 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 बेटे, मरेगा 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 जितने दिन का। अरे वो पीछे से काम वाली आ गई। अरे यार ये भी ना, इसको भी अभी आना था, पागलों की सरदारनी। ये ले बेटे ये ले। ओ भाई अच्छा अच्छा, झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगा लगा लगा, झाड़ू लगा झाड़ू लगा लगा लगा, पीछे बढ़ रहे झाड़ू लगा। ओके भाई फिलहाल टकना वेरी स्मार्ट, ये अभी कोई शक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आंटी की फाइल ढूंढ रही है, वेर इज आंटी की फाइल? तो फिलहाल चलिए भाई एक काम करते हैं, सारे फ्लोर्स को चेक करते हैं फटाफट से, आंटी की फाइल कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि आंटी बड़ी चालाक है, उनको मैंने मार तो दिया। ओ ले ले ले, नहीं नहीं मम्मी, ये क्या इन कपड़ों में शक हो रहा है यार, बदतमीजी की पूरी हद हो रही है, प्योर एकदम बिना मिलावट के, ये तो कोई बात नहीं होती। तो एलेक्सा का ऑफिस है भाई लेवल 2 पे, तो ऑफिस में निकलते हैं एलेक्सा के, शायद से मेरे हिसाब से ना फाइल ऑफिस में मिलेगी, ऑफिस में मिलती है भाई ऐसी चीजें, तो मेरे को सीढ़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। वेयर इज द सीढ़ियाँ भाई? जब बंदे आपके ऊपर शक करे ना, तो आप भागते रहो, बिना रुके भागते रहो, जो होगा देखी जाएगी, भागते रहो, उससे क्या होता है ना उसका शक दूर हो जाता है। तो फिलहाल लीजिए भाई हम लोग ऊपर वाली लेवल पर आ चुके हैं, अभी जल्दी से एलेक्सा जी, वेयर इज योर ऑफिस एलेक्सा जी? खुल जा सेम सेम, खुल गया। तो यही है भाई एलेक्सा का ऑफिस। तो अभी मेरे को कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी भाई, मुझे केस फाइल मिल चुकी है, शायद से मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक है जहाँ पे वो हो सकती है। फिलहाल भाई मैंने इस डोगी की पेंटिंग को देखा, तो ये देखो मैंने अभी हटाई तो नहीं है डोगी की पेंटिंग, बट साइड में देख रहे हो भाई एक छोटी सी, देखो यहाँ पे चीज़ है, एक वोल्ट है छोटा सा, ये देखो आप देख रहे होंगे कहाँ पे छुपा कर रखा है भाई एलेक्सा ने, बहुत बड़े। और मेरे को यहाँ पे एक बटन भी मिल चुका है जिससे मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, तो फिलहाल भाई एक्टिवेट हो गया ना बटन। ओके भाई सही में डोगी की पेंटिंग हट गई, अभी ढूंढ लेते हैं एलेक्सा जी का कोड बताइए, एक सेकेंड। ओके सिंपल है भाई, मैं समझ गया, आप बताओ समझे नहीं समझे। देखो कोड कैसे बनेगा, 1 2 3 4 चार डिजिट का कोड है, पहला कोड मिलेगा क्लॉक के पास शायद से, दूसरा टेलीस्कोप, तीसरा अपना फायर के पास, और चौथा हिरन के सींग के पास, मतलब उसको कटआउट सर होता है लगा के रखते हैं भाई एंशिएंट घरों पे। तो मेरे को ये चार जगहों को चेक करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, क्या चालाक है यार, बढ़िया सही में यार बड़ी चालाक आंटी है। तो फिलहाल ये रहा भाई क्लॉक, यही क्लॉक है, कोई और सी क्लॉक है, ये क्लॉक नहीं है भाई, अगर ये होती तो दिख जाती। तो सबसे पहले मेरे को हिरन का सींग देखना है, तो फिलहाल भाई ये रहा हिरन,
तो हेलो बेटा हिरन कुछ है क्या, ये वाला हिरन का सींग है या कोई और सा है? वैसे तो इतने सारे लगा करके रखे इसने, समझ नहीं आएगा। तो फिलहाल भाई टेलीस्कोप ऊपर है, मैं भी ऊपर गया था तो मेरे को टेलीस्कोप ऊपर दिखा था। ओके तो भाई ये रहा टेलीस्कोप, तो फिलहाल इसमें कहीं पे कोड। ओके भाई दिख गया, देखो 9 आपको टेलीस्कोप के पास में दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, 9। तो सबसे पहला हो गया 9, तो ये चले सोच लेते हैं टेलीस्कोप के पास लगाना है हमको 9 ला करके। ओके और कोई बढ़िया सी चीज़, तो तीसरी चीज़ भाई फायर, फायर में मेरे को जाना है जहाँ पे आग लगी हुई है, आग के पास 7। ओके भाई आग के पास 7, टेलीस्कोप के पास 9, 7 9, ठीक है भाई 7 9 हो गया। ओके क्लॉक कहाँ पर है, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, वेयर इज माई क्लॉक बैठे। फिलहाल भाई क्लॉक ये वाली है क्या, ये वो छोटे वाली क्लॉक है, वैसे ये तो नहीं है। ओके भाई यही है यार, यही है 1, घड़ी के पास है 1, तो ठीक है भाई 1 7 9। ओके लास्ट बची है भाई हिरन का सींग, मतलब कि उसका सर, ये वाला सर है क्या? नहीं ये वाला सर भी नहीं है, कोई ना कोई सा सर तो होगा ही भाई, बड़े वाला सर होगा। आंटी जी कुछ तो बता देती ना, ये वाला सर है क्या भाई? मुझे हिरन वाला भी मिल चुका है, मैंने अभी ध्यान से देखा, पहले मैं नीचे देख रहा था और थोड़ा पास से भी देख रहा था इसलिए मेरे को ऐसे कोड नहीं दिखाई दे रहा था, बट अगर आप दूर से देखो तो हिरन के सर के ऊपर लिखा हुआ है 5। तो फिलहाल भाई पूरा कोड बन चुका है, जल्दी जल्दी से बनाते हैं और सही जगह पर उनको लगाते हैं उनके हिसाब से। तो चल मेरे प्यारे टकले भाई कोड डालने के लिए तैयार। तो सबसे पहले आता है अपना घंटा, मतलब कि अपनी घड़ी, तो घड़ी पे मैंने 1 लगाया और अपना टेलीस्कोप पे था 9, इतना मेरे को पक्का याद है। ओके 9, अपना फायर पे था भाई 7, फायर पे 7 था और इस पे लास्ट में जो हमने हिरन वाला देखा ये था 5। ओके कर दीजिए आंटी जी, खुल जाइए आंटी जी, अभी आंटी जी आपकी केस फाइल तो चली गई। अरे भाई और वैसे ये मिशन थोड़ा अच्छा था, लास्ट में बहुत अच्छा लगा, मतलब जो इसने पजल बना करके रखी आंटी ने, यह बड़ी अमेजिंग चीज भाई मुझे लगी। अभी निकल जाते, अबे तू कर क्या लेगा शक करके, तू कर ले शक मेरी ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल चाचा जी यहाँ से जाने का रास्ता है क्यों, कोई पाइप मिल जाए। चेक चेक चेक, जल्दी से साइड से नहीं जा सकता, इधर से जा सकता है क्या? ओके भाई चलिए हो गया काम, हो गया सामने पाइप है, वहां से पाइप उतर के नीचे फ्लोर पे और नीचे से सीधा बाहर की तरफ और मिशन पूरा हुआ। तो भाई आप लोग बताना आज आपको दोनों मिशन कैसे लगे, मैंने बड़े ही शॉर्टकट में दोनों का पूरा किया है, मतलब कि मर्डर भी फटाफट से किया और चीजें भी मेरे को जल्दी मिल गई है। तो फिलहाल चलिए भाई आसान से काम हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना ईजी हो जाएगा, वैसे ना आदत हो जाती है, मैंने हिटमैन 2 बड़े प्यार से खेला है तो मेरे को ना इस गेम खेलने की आदत हो चुकी है, मेरे को पता चल जाता है कि इस गेम में करना क्या है। एक बार आपकी स्ट्रेटेजी बन जाती है ना तो फिर आप उस हिसाब से आराम से कर सकते हो, मैंने देख लिया भाई। तो फिलहाल इसीलिए मैंने इसको बहुत जल्दी से पार कर लिया, बस 2-3 चीज़ें मेरे को ज़्यादा टाइम लगा जो मैंने आपको बोला, और वो है कपड़े लेना। देखो आउटफिट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता ही है यार, क्योंकि आउटफिट को लेने के लिए आपको बंदा ढूंढना पड़ेगा, वो भी अकेला जहाँ पर कोई भी बंदे ना हो। अबे टकले तो कूद सकता है क्या यहाँ से? टकला नहीं कूदेगा इधर ऊपर से, अरे यार ये टकला भी ना कमज़ोर है थोड़ा, पेम्पर्ड है भाई ये बच्चा बेचारा हमारा। चल 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 जल्दी से आ जा बेटे, जल्दी से आ जा। तो फिलहाल चलिए यहाँ से कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेते हैं भाई उतरने का। चल 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 जल्दी आ जा जल्दी से। तो भाई यहाँ से कोई पाइप दिला दो भैया तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके तो मेरे को लगता है घर के अंदर से ही जाना पड़ेगा यार, चलो कोई बात नहीं घर के अंदर से निकल लेते हैं, कम से कम एक फ्लोर तो मैंने पार कर दिया ना यहाँ से विंडो से अंदर की तरफ घुस करके। अभी सीधा मैं जाऊँगा फिर यहाँ से सीढ़ियों से नीचे, और सीढ़ी से नीचे जाते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए रास्ता यहाँ से है भाई है। ओके तो जल्दी से चलिए यहाँ से मैं नीचे की तरफ निकल लेता हूँ, सीधा बस मेरे को अभी जाना है अपनी बाइक के पास जहाँ से मेन एंट्री से आया था, और वहाँ से उतरते ही सीधा काम खत्म। मैंने तो पूरा घर भी नहीं देखा क्योंकि मैंने बाहर से भारी सारे बंदों का नाम कर दिया, मतलब काम कर दिया। तो चलिए भाई सामने एक मेन डोर है, यहाँ से हम सीधा बाहर निकल करके जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मर्डर सक्सेसफुल, केस फाइल चुराना वो भी सक्सेसफुल, एग्जिट हमारा साइड में ही है, हम सामने से निकल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल भाई बताना जरूर आपको हिटमैन का गेम प्ले कैसा लगा, आगे भी इसके नेक्स्ट पार्ट देखने तो बताना नहीं। ओके भाई वही ब्रिज क्रॉस करना है मेरे को, घर की एंट्री आ गई है आपको याद ही होगा, तो आप यहाँ से जा करके सीधा बस मेरे को अपनी बाइक पर बैठना है। तो ये अभी एंट्री वाले बंदे मेरे ऊपर शायद से शक नहीं करेंगे क्योंकि मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ वो अंदर के सिक्योरिटी गार्ड के हैं, तो गार्ड के ऊपर तो शक करना बनता ही नहीं बिल्कुल भी। तो ठीक है भाई अभी टकला मेरा प्यारा भाई बाइक चलाएगा, मज़ा आएगा देखने में। तो सही है भाई आज मैंने एक ही एपिसोड में 2 मिशन पूरे किए। ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई, गोली चलने की आवाज़ आ रही है, अभी किसी बंदे ने फ़ोन करा था उसके पास गोली चल रही है क्या, कुछ तो है। चलिए फिलहाल भाई मेरा काम था मिशन को पूरा करना, मैंने मिशन पूरा किया, तीसरा मिशन पता नहीं कौन सा होने वाला है वो बाद में देखने के। फिलहाल भाई सक्सेसफुली 2 मिशन पूरे हुए। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीजें कैसी लगी, हमारा प्यारा टकला भाई कैसा लगा, और भाई प्यारा सा गेम प्ले कैसा लगा,
मानता हूँ शॉर्टकट मैंने सभी को मार दिया, बट यार देखो टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, अभी एक घंटे का एपिसोड बन जाएगा एक ही चीज पे, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, जितना जल्दी से कर सको उतना बेस्ट है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो भाई बाकी आप लोगों को आपको कैसा लगा, तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा कर लीजिए, वीडियो लाइक करें 20,000 जल्दी से पूरा करा दो, अगर आप उन्हें अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा उस पर भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।